And I spoke to a lot of police officers. The one thing that I found common to all was this sense of frustration. कि थोड़े से पैसों के लिए लोग कितने गंदे गंदे काम कर रहे हैं यार। अपनी सलवार उतारो, पैंट उतारो, चड्डी उतारो और पहन लो। मैं चाहती हूँ कि दुनिया के सारे सेक्स ट्रैफिकर्स चौपाटी पे नंगे खड़े हों और मैं मशीन गन चुरा दूँ। Hi Swara, welcome to this episode of Closer to the Stars on Book My Show. Thank you. Swara, आपकी ये web series आ रही है जिसका नाम है Flash. Playing a cop for the first time, Swara? Yeah, I'm playing a cop for the first time. It's the first time I've donned a uniform and one of the big reasons why I agreed to do this. Swara, ये Flash कैसे आपके पास आई और कैसे आपने इसका selection किया? क्या हुआ इसके पीछे की story बताइए। दानिश के साथ तो ऑफकोर्स मैंने पहले भी काम किया है, तो मुझे पता था कि जब वो इस कहानी पे काम करने वाले थे। मैं इटली में एक्चुअली थी एक छुट्टी पे और उनका फोन आया और आई रिमेम्बर मैं कॉफी शॉप पे बैठी थी, मैंने कॉफी ऑर्डर किया था। एंड लाइक ओ यू नो ये शो है, रिमेम्बर मैंने बताया था तो करोगी क्या? तो मैंने कहा हाँ, मतलब स्क्रिप्ट भेजो, स्क्रिप्ट है क्या? इसे हाँ स्क्रिप्ट तो है लेकिन कब तक पढ़ पाओगी? तो मैंने कहा यार मैं इटली में हूँ, दो तीन चार दिन तो दोगे मुझे, मैं तो अभी बाहर हूँ और पढ़ूंगी, आप भेजो मैं पढ़ती हूँ। स्क्रिप्ट भेजा, उसी टाइम भेज दिया ईमेल पे, मैं फोन पे थी, वाईफाई से कनेक्ट करके स्क्रिप्ट खोला। फिर मैंने ऐसी पहला एपिसोड पढ़ना शुरू किया और फिर मैं पढ़ती चली गई और मैं कुछ दो तीन घंटे एटलीस्ट वहाँ, तीन चार घंटे वहां बैठ के मैंने पूरा खत्म कर दिया स्टार्ट टू फिनिश। अब मुझे लगा कि यार अगर ये ग्रिप इस कहानी का, अगर स्क्रिप्ट ही आप नहीं रख पा रहे नीचे, तो फिर शो तो आप बिल्कुल एक गो में देखना चाहेंगे। आई रियली लाइक द स्टोरी, आई थॉट बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ये बोली जानी चाहिए क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऐसा मुद्दा है जो कि हमारे समाज की सबसे मतलब घिनौनी सच्चाई में से है। तो मैंने उसी शाम फोन किया, मैंने कहा कि मैं अपनी साइट सीइंग तो कर नहीं पाई आज के दिन की, लेकिन मैं जरूर आपका शो करूंगी। ये अक्सर जो वेब सीरीज के फैंस होते हैं, दे ऑलवेज वांट वन मोर सीजन। तो क्या जो एक्टर्स हैं अपनी स्क्रिप्ट चूज करते हैं वेब सीरीज के, तो दे कीप इन माइंड कि ये मेरा कैरेक्टर आगे आने वाले सीजन में इसकी कोई स्कोप है, कैसे जाने वाला है, किस सीजन तक बनेगा? मैं एक्चुअली उतना सोचती नहीं हूँ उसके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज बन रही है अगर उसको पूरी शिद्दत से बनाओगे तो नेक्स्ट सीजन तो हो ही जाएगा अपने आप ही। एक वो गीता का सार ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो आई एम ऑलवेज मोर फोकस्ड ऑन कि यार इसको अच्छे से बनाते हैं, फिर पॉसिबिलिटीज तो खैर देखते ही रहेंगे हम लोग। बट आई थिंक नाउ मोस्ट शोज कम विद अ सीजनल आर्क, सो दैट्स नॉट अनयूजुअल। Swara, when you were doing research for this particular character, which was that one most shocking thing that you came across was a very serious subject? The focus was that I went and met a lot of police officers and I spoke to a lot of police officers. And it was very interesting that the one thing that I found common to all men and women, IPS and state guard, everyone, was this sense of frustration that they felt. हम अपनी जान को जोखिम में डाल के मुजरिम को बचाते हैं और मुजरिम जो है वो सिस्टम को मैनिपुलेट करके या कोई जुगाड़ लगा के या कोई ब्राइब दे के वो निकल जाता है। तो मैंने वो फ्रस्ट्रेशन को राधा के किरदार का एक हिस्सा बनाया कि उसकी फ्रस्ट्रेशन और उसकी लड़ाई सिर्फ क्रिमिनल से नहीं है, वो सिस्टम से भी लड़ रही है। When I was prepping, that was one interesting fact that I found. The most damning fact that I found, which was really shocking and horrible, was that कोई भी दुनिया का बिजनेस इस लेवल का ग्लोबल फैलावट और रीच बिना समाज के बाकी तबकों के नहीं पा सकता है। एक ILO की आई थिंक रिपोर्ट है 2014 की, जहां पे वो कहती है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्ल्ड वाइड से प्रॉफिट नेट प्रॉफिट $150 बिलियन था 2014 में। बेसिकली व्हाट सम ऑफ द पुलिस पीपल टोल्ड अस वाज दैट अ लॉट ऑफ द पीपल जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं यार, वो हमारी बिल्डिंगों में हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, कि थोड़े से पैसों के लिए लोग कितने गंदे गंदे काम कर रहे हैं यार, कितने मतलब इनह्यूमन काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ ऐसे काम कर रहे हैं। एक कहानी बताई एक पुलिस वाले ने, मैं तो पागल हो गई सुन के, कि बॉम्बे बाहर कहीं कि दे फाउंड अ हाउसवाइफ जो अपने बच्चों को स्कूल भेज के, अपने पति को ऑफिस भेज के 8 से 2 बजे के बीच में अपने घर को ये काम के लिए दे रही थी, जिसमें ट्रैफिक लोग आ रहे थे, मतलब बच्चों मतलब लोग कस्टमर आ रहे थे, क्लाइंट या जो व्हाटएवर द हेल, और उसमें जो बच्चे साथ में ला रहे थे, लड़कियां छोटी छोटी लड़कियां साथ में ला रहे थे, वो ट्रैफिक लड़कियां थी, ये माँ है 2 बच्चों की। इट्स जस्ट हॉरिबल। एंड हु नोज, ये ऐसा इंसान कोई हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारी सोसाइटीज में रह सकता है। जी सर, लास्ट सवाल, फ्लैश हमें क्यों देखनी चाहिए और फ्लैश जो है हम कहां पर देख सकते हैं? वेल फ्लैश आप इरोस नाउ पे देख सकते हैं, एपल टीवी पे देख सकते हैं, टाटा स्काई बिंज के माध्यम से देख सकते हैं। आई थिंक कि फ्लैश इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि एक इंटरेस्टिंग कहानी है, एक बहुत जरूरी मुद्दे पे कहानी है एंड बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस है पूरे कास्ट की। एक्चुअली आपको एक बहुत ही घिनौना सच बता रहा है हमारे समाज में, लेकिन एक ऐसे माध्यम से बता रहा है जिसमें आप एंगेज रहेंगे, आप देखना चाहेंगे, एंड एंड में इट्स अ वेरी होपफुल स्टोरी। सो एंड इज अ वेरी इट्स एन एंड दैट लीव्स यू ऑन अ हाई, यू फील एम्पावर्ड एंड यू रियलाइज की द पावर ऑफ अ गुड
cop and the power of a good officer. चलिए राजा तो ये बता दीजिए कि पायल और तनुजा त्रिवेदी एक साथ वापस आने वाली है नहीं आने वाली है? भाई इस सवाल का जवाब आनंद राय ही दे पाएंगे और कौन? But you don't have any objection working with Tanuja Trivedi again in the part 3. I never have any objection in acting. I'm an actor. It's my job to do the roles that I have. Reprise the roles if they're getting remade or be part of them. Yeah, absolutely. It was a pleasure talking to you, Swara. All the best for Flash. Thank you.